गुड इवनिंग एवरीवन, मैं अरुण श्रीवास्तव आपका इन आइडियल इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लेके आए हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। तो अलंकार का मतलब होता क्या है? जिस प्रकार स्त्रियों की शोभा बढ़ाने के लिए, आभूषणों का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार अलंकारों के वर्डों और शब्दों की और वर्डों की शब्द या वर्ड एक ही होते हैं, शब्दों की शोभा बढ़ाने के लिए नए नए शब्दों का प्रयोग करके उस पर चार चार लगा देना ही क्या अलंकार कहलाता है। तो अलंकार को सात भागों में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सिमिली, दूसरा पढ़ेंगे मेटाफोर, क्योंकि इंटरमीडिएट में हमें केवल सात प्रकार के ही पढ़ा जाता है, होते कुछ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसमें हम सात पढ़ेंगे, सात अलंकारों का अध्ययन करेंगे, हाँ, इलेवन और क्लास ट्वेल्व में, यूपी बोर्ड में। तो उसमें कौन कौन होता है? पहला नंबर सिमिली होता है, सिमिली मेटाफोर, एपोस्ट्रॉफी, ऑस्फिकेशन, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपोया, हाइपरबोल, ये सात टोटल होते हैं। तो जो पहला होता है सिमिली होता है, तो सिमिली को समझते हैं कि सिमिली होता क्या है, व्हाट इज सिमिली। अलंकार हिंदी में तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन अंग्रेजी में ही देख लीजिए, इंग्लिश में भी बहुत ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और जो नहीं आपको समझ में आता है, आप वीडियो के माध्यम से जो आप वॉच कर रहे हों तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आते हैं, देखते हैं सिमिली क्या होता है। तो फिगर स्पीच, तो कहना फिगर स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? फिगर स्पीच को हिंदी में जो कहते हैं वह अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? फिगर सब स्पीच को जो हिंदी हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो अलंकार को हमने क्या किया, सात भागों में बांट दिया गया है। पहला सिमिली होता है, दूसरा होता है क्या, मेटाफोर होता है, ठीक है, इसका मेटाफोर होता है। तीसरा होता है ऑस्फिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार, फिकेशन। तीसरा होता है क्या, एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी। उसके बाद आपका होता है ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, एंड लास्ट जो होता है सातवां, एंड ओनोमेटोपोया। उसमें कितने हो गए? कुल सात हो गए। वन पहला होगा सिमिली होता है, दूसरा होता है मेटाफोर होता है, तीसरा होता है फॉर्सिकेशन, हाँ, चौथा होता है आपका एपोस्ट्रॉफी, और पांचवा होता है ऑक्सीमोरन, ए एम ओ आर ओ एन, ऑक्सीमोरन। ये हाइपरबोल होता है, ये आपका लास्ट होता है ओनोमेटोपोया। इतने अलंकार हम पढ़ते हैं, सेवन अलंकारों का स्टडी किया जाता है, हाँ, इंटरमीडिएट क्लासेज में। तो 11 और 12 के सबसे रामवार की तरह से ये साबित होगा आपके लिए, और बहुत ही इजी वे, बहुत ही लाजवाब, बहुत तरीके से, जो आपको बहुत ही लाजवाब तरीके से समझाएंगे, जिसमें हर बच्चे को आसानी समझ में आ जाएगा सिमिली है क्या, व्हाट इज सिमिली। उस पर आपको अंतर बताएंगे कि डिफरेंट बिटवीन द सिमिली एंड मेटाफोर, सिमिली और मेटाफोर में आपको अंतर बताने के लिए, हाँ, इसके बाद आपको जो वीडियो मिलेगी वो मेटाफोर को मिलेगी, उसके बाद दोनों में आपको कंपेरिजन कराया जाएगा, तुलना कराया जाएगा, है क्या अंतर, क्या है डिफरेंस, क्या है तुलनात्मक चीज़ें, है क्या आखिर अंतर, है क्या सिमिली क्या होता है, मेटाफोर क्या होता है, दोनों एक समान होते हैं, समथिंग डिफरेंट बिटवीन द मेटाफोर एंड सिमिली, इट्स अ वेरी सिंपल वे। देखिए होता क्या है कि सिमिली जो होती है इज ए कंपेरिजन, तुलना किया जाता है जैसे बिटवीन, बीच में किसके, टू ऑब्जेक्ट, हाँ, इस अलंकार में, सिमिली अलंकार में क्या होता है कि तुलना किया जाता है किसका, टू ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग, डिफरेंस माने क्या होता है, अलग अलग, दो अलग अलग वस्तुओं की, काइंड माने का प्रकार की, दो प्रकार की अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है। ये सिमिली वह अलंकार होता है जिसमें क्या, दो प्रकार की अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है, ठीक है, और तुलना की जाती है विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट, इसमें कम से कम एक गुण क्या होता है,
कॉमन, कॉमन माने क्या होता है, समान होता है। और वन पॉइंट माने क्या, फ्रेज में आ गया है हाँ कि बिंदु, एक बिंदु या क्वालिटी कह लो या बिंदु कह लो, एक बिंदु क्या होता है, समान होता है। ठीक है, मतलब एक क्वालिटी दोनों मिलनी चाहिए, दो वस्तु तो अलग अलग होंगी लेकिन वही क्वालिटी जो है उन दोनों में मिलनी चाहिए, जो एक में है वही दूसरी में होनी चाहिए, लेकिन दोनों वस्तुएं क्या अलग अलग होनी चाहिए। अब बोल कह रहा है कि विच हैव एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम वन पॉइंट जो गुड़ होता है या एक बिंदु जो होती है, ठीक है, इज कॉमन, समान होना चाहिए, एक तरह का होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा सिमिली है या नहीं है, मेटाफोर होगा तब द वर्ड जो शब्द है, एज हो गया, लाइक हो गया, सो हो गया, ठीक है, आर यूज फॉर कंपेरिजन, और इनका प्रयोग जो होता है तुलना करने के लिए होना चाहिए। तो आ जाइए देखते हैं पहला क्या है, क्या होना चाहिए, दो वस्तुएं जो होती हैं ये पहचान सिमिली की, दो वस्तुएं भिन्न भिन्न होनी चाहिए, चाहिए क्या होनी चाहिए, जो दो वस्तु होंगी हमारी वो क्या होंगी, वह दोनों अलग अलग होंगी, दोनों क्या होंगी, वह दोनों अलग अलग होंगी, दोनों अलग जाति की होंगी, काइंड माने क्या वो अलग प्रकार की होंगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, हम दोनों में एक गुण समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, दोनों में एक गुण समान होना चाहिए, दोनों में एक गुण समान होना चाहिए। और दूसरा है कि जो शब्द होते हैं तुलना करने के लिए, एज लाइक या सो का यूज होना चाहिए, यूज होना चाहिए। और इतना चीज मिलता है तो सिमिली है, और इतना उस चीजें मिल जा रही हैं, तीन पॉइंट, तीन आपको बिंदु बताया गया है, तीन आपको सिमिली के सबसे लाजवाब बेजोड़ पहचान बताई गई है कि दो वस्तुएं क्या होनी चाहिए, वो भिन्न भिन्न होनी चाहिए। अगर भिन्न भिन्न नहीं है तो सिमिली नहीं है, तो सिमिली है ना मेटाफोर है, वो क्या है, वह कंपेरिजन नहीं होगा। दोनों में कम से कम क्या एक गुण होना चाहिए, जो उसमें क्वालिटी है वही क्वालिटी क्या दूसरे अलग वाली वस्तु में होनी चाहिए, और शब्द एज लाइक और सो का यूज होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में लिखा क्या है यहाँ पे, द नाइट इज एज ब्लैक एज ब्लैक स्टोन, क्या कह रहे हैं कि रात जो है उतनी ही काली है, रात उतनी ही काली है जितनी की एक काला पत्थर, रात उतनी ही काली है जितनी की एक काला पत्थर। अब देखिए इसमें क्या है, हमने क्या बोला था कि सिमिली में क्या होना चाहिए, कंपेरिजन बिटवीन टू, एक तुलना तो करता है किसकी भाई, तुलना तो करेगा, कंफर्म करेगा, किसी करेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दो अलग अलग वस्तुएं करेगा, सही बात है, इसमें दो वस्तुएं क्या अलग अलग है, ये भैया रात है और ये क्या है, ये पत्थर है, दोनों क्या है अलग अलग हैं, ठीक है, एक चीज तो मिल गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बोला है कि विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन, ठीक है, और दूसरा चीज बोला है कि एक गुण दोनों में क्या होना चाहिए, क्वालिटियां जो है उनकी, ठीक है, दोनों में एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होगा, और अलग होगा भैया जान लेना, ये सिमिली नहीं है, ये कुछ और होगा, लेकिन सिमिली है, कैसे है देखो उसमें ये क्या है, ये सिमिली कैसे है, द नाइट इज, नाइट अलग है और क्या, और ब्लैक स्टोन क्या अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसी दोनों का गुण क्या एक होना चाहिए, तो बात सही है कि रात भी काली होती है और पत्थरों को काला कर दिया गया है, तुरंत यू काली है और पत्थरों काला है, ये हो गया सिमिली। और तुलना करने के लिए एज लाइक सो का प्रयोग होना चाहिए, तो भाई एज एज का प्रयोग किया गया है, इसका हिंदी जितना होता है इसका हिंदी उतना होता है, तो नाइट इज एज ब्लैक एज अ ब्लैक स्टोन, रात उतनी ही काली है कि क्या, जैसे कोई काला पत्थर, रात उतनी ही काली जितना ही कोई काला काला पत्थर, तो रात अलग हो गई और पत्थर क्या हो गए, अलग हो गए, इसे कहते हैं सिमिली, इसे कहते हैं सिमिली, सिमिली फिगर स्पीच होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज क्या यहाँ लिखा हुआ है,
she is lovely. एज ए रोज। दूसरा एग्जाम्पल आपका आपके सामने है, दूसरा एग्जाम्पल, सी इज लवली एज ए रोज, वह सुंदर है जितना कि गुलाब। अब लड़की की तुलना किससे कर दी गई हो, गुलाब से कर दी गई है, वाह क्या बात कर रहे, कि वो उतनी ही ठीक है प्यारी है, सुंदर है जैसे कि गुलाब। तो गुलाब भी, गुलाब अलग है और क्या है, ये लड़की है और क्या नेचुरल थिंग है, ये लड़की है और क्या नेचुरल थिंग है, ये लड़की है और क्या ये नेचुरल थिंग है, लेकिन दोनों क्या है, दोनों प्यारे हैं ठीक है। तो दोनों में क्या है, दोनों अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हो गई, लेकिन दोनों का कोई क्वालिटी है एक है, इसलिए क्या ये सिमिली है। तीसरा ही आपको देख लेते हैं, तीसरा ही आपको बताते हैं, यहाँ पे है राम इज एज जेंटल एज मोहन इज, राम उतना ही सभ्य है जितना कि मोहन। अब बताइए पहले मिस्टेक उसी पकड़ा गई ठीक है, पहले मिस्टेक पकड़ा गया, इसमें क्या है दोनों एक के इंसान है, दोनों क्या है इंसान है, अलग अलग नहीं है, लेकिन दोनों क्वालिटी एक एक चीज तो मिल गया, क्या मिल गया, एक तो वर्ड इसका प्रयोग किया गया है और क्वालिटी क्या है ये मिल गया, लेकिन एक चीज नहीं मिला, क्या नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये मिला ये मिला लेकिन ये नहीं मिला, राम भी लड़का है और मोहन भी लड़का है, तो क्या ये सिमिली नहीं है, ये कंपेरिजन है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे कंपेरिजन कहेंगे बच्चों, इसे क्या कहेंगे, इसे कंपेरिजन कहेंगे, ये क्या है, ये आपका सिमिली है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें लड़की है और क्या गुलाब है और दोनों सुंदर हैं, सी इज लवली एज ए रोज, वह सुंदर है जैसे कि गुलाब। तो गुलाब क्या अलग होता है और सी क्या होता अलग होता है। नाइट इज एज ब्लैक एज अ ब्लैक स्टोन, रात उतनी ही काली है जितना कि कोई काला पत्थर। तो रात अलग होती है और पत्थर अलग वस्तु होती है और दोनों का क्वालिटी क्या है कि दोनों काले हैं ठीक है, लेकिन इसमें क्या है राम इंसान है और श्याम भी मोहन भी इंसान है सॉरी, और दोनों क्वालिटी क्या एक है, लेकिन वस्तु अलग अलग ना होकर एक है तो सिमिली नहीं, ये क्या कहलाएगा, ये कंपेरिजन कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, अगर कोई आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज प्रॉब्लम, जो भी आपको समस्या होगी यू कैन कंसल्ट मी विदाउट हेजिटेशन। उम्मीद करते हैं सभी को वीडियो अच्छी तरह पसंद आया होगा और इस वीडियो को इतना फैला दीजिए, हल्का मचा दीजिए, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को माध्यम से आपको सिमिली के बाद मेटाफोर भी इसी तरह अच्छे समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको तुलना अंतर बताएंगे कि अंतर क्या है सिमिली और मेटाफोर में क्या अंतर है। जय हिंद।